एकता कपूर के शो नागिन 6 में हर एपिसोड में चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। हाल ही के एपिसोड में एक नई एंट्री हुई है। जी हां, इंस्पेक्टर रिद्धि की एंट्री हुई है शो में, जो कि और मसाला लेकर आई हैं। रिद्धि भले ही एक इंस्पेक्टर है, पर वह भी देशद्रोहियों के साथ शामिल है, यानी वह भी एक असुर है। प्रथा की दोस्त दिया की मौत हो जाती है, जिसमें ऋषभ के भाइयों का हाथ है। प्रथा नागिन दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। रिद्धि को पता है कि प्रथा और उसकी बहन महक दोनों नागिन हैं। दोनों बहनों की रिद्धि के साथ खूब लड़ाई होती है। नागिन 6 के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रथा जब डांस कर रही होती है तो तभी एक सपेरे की वहां एंट्री हो जाती है। यह सपेरा नागिन 6 में नेगेटिव किरदार में नजर आएगा। सपेरे को देख प्रथा बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि सपेरा प्रथा और उसकी नागिन बहन के बारे में सब कुछ जानता है। प्रथा एक सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन है और सपेरा उसे बताता है कि आने वाले दिनों में उसके लिए कई परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। सपेरा प्रथा को बताता है कि वह उसकी पूरी सच्चाई जानता है और इसे वह सबके सामने लाने की पूरी कोशिश करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रथा इन दोनों नए दुश्मनों से कैसे निपटेंगी। इंस्पेक्टर निधि और सपेरी की एंट्री से नागिन 6 में गजब का रोमांच आ गया है। शो में चाइल्ड आर्टिस्ट अदीबा हुसैन की भी एंट्री हुई है। अदीबा नागिन 6 में प्रथा के बचपन का रोल प्ले करेंगी। जी हाँ, आप इन न्यू एंट्रीज को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा फूस टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।